नमस्कार, मैं हूं फिजा काजमी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है, ऐसे में ये चुनाव हर तरीके से खास है। इस बीच जहां चुनावी माहौल में ईवीएम को लेकर कई सवाल उठ चुके हैं, ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो सबको हैरान कर देने वाली है। जी हां, बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। दायर की गई याचिका में 20 लाख ईवीएम मशीन चुनाव आयोग के पास ना होने की बात की गई है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि 20 लाख ईवीएम आखिर गए कहां? कौन ले गया 20 लाख ईवीएम? ईवीएम गायब होने के पीछे क्या है सियासी साजिश? आरटीआई की रिपोर्ट से सामने आया 20 लाख ईवीएम का सच। ईवीएम को लेकर उठ रहे विपक्ष के सवालों के बीच इस खबर ने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। दरअसल अंग्रेजी पत्रिका फ्रंटलाइन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका के हवाले से बताया है कि करीब 20 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे में है ही नहीं। मुंबई के आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन रॉय ने करीब 13 महीने पहले 27 मार्च 2018 को मुंबई हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने ईवीएम की खरीद, स्टोरेज और डिलीवरी में शामिल प्रक्रियाओं की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सभी संबंधित संस्थाओं को डाटा उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। लेकिन इसके बाद जो जानकारी मिली वो बहुत चौंका देने वाली है। ईवीएम निर्माताओं ने जो मशीन चुनाव आयोग को भेजने के लिए तैयार की, उसमें से 20 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे में पहुंचे ही नहीं। ईवीएम के निर्माण, रखरखाव, डिलीवरी में 116 करोड़ की गड़बड़ी का जिक्र भी इस रिपोर्ट में किया गया है। 20 लाख ईवीएम गायब होने के बाद हड़कंप मचा है। अभी दो चरणों के मतदान बाकी है, इसलिए विपक्ष इस बात को बड़ा मुद्दा बना सकता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम कैसे गायब हो सकते हैं। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि 20 लाख ईवीएम अगर चुनाव आयोग के कब्जे में नहीं है तो आखिर है कहाँ? देश भर की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक आखिर हो कैसे सकती है? देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।